शिमला में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 15 अगस्त 2023 को देश भर में शुरू हुए इस अभियान को जन जागरण बताया। उन्होंने कहा कि देश के अमृत काल में माटी का वंदन अभियान एक सार्थक और बेहद आवश्यक मुहिम है। उन्होंने कहा कि ये अभियान महज एक अभियान नहीं, ये जन जागरण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भारत के इतिहास पर अगर नजर डाले तो इस धरती माता की रक्षा के लिए हर काल में लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर भारत माता आज 1000 साल की गुलामी के बाद भी अपनी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए जीवित हैं। भारत वो देश है जहां बलिदानियों की पूजा हुई, जहां इस धरती माता के लिए मर मिटने वालों के सदा मेले लगते हैं और इस धरती का सम्मान न करने वालों को भारत का समाज कभी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखता। अमृतकाल की बेला में जब देश ने यह संकल्प लिया कि हमें भारत माता का खोया हुआ गौरव पुनर्स्थापित करना है तो भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है, ऐसे समय पर माटी का वंदन समय की आवश्यकता है। देश का प्रत्येक व्यक्ति भारत माता के प्रति, भारत की माटी के प्रति अपनी श्रद्धा एवं भावना को अर्पित करे। वो एक चुटकी माटी करोड़ों करोड़ों परिवार से एकत्रित होती हुई दिल्ली पहुंचे और वहां पर भावनाओं से ओतप्रोत उस माटी से अमृत वन का निर्माण हो और एक देशभक्ति का ज्वार भाटा पूरे देश में फैले। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। मेरी माटी मेरा देश ये एक अनूठा अभियान है। 15 अगस्त 2023 को श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर ये अभियान शुरू हुआ है। मेरा मानना है कि ये अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अहम कदम है। और ऐसा नहीं है कि आज ये मेरी माटी मेरा देश अभियान या भारत माता का वंदन या वीरों का अभिनंदन या फिर जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन होम किया उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये कभी पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं। परंतु आज जब हम अमृत काल का महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं और आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, अब हम एक अगले पायदान के ऊपर जाते हुए विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं और भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे समय के ऊपर मेरी माटी मेरा देश ये अभियान अत्यंत सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत।